Assalamu alaikum, viewers. We are back with the second match of today. The match is between Team Hook and SSCC Bemna. Both the teams have lost their first match. The batsman on strike is Umar Nisar. Bowling will be Adil Polad. And the non-striker is Imtiaz. Bowled nicely. Times this ball, but there's Adil Dar. No run. छोटी गेंद थी, पुल कर दिया यहाँ पे उमर निसार ने, चार रन मिलेंगे यहाँ पे। जैसे ही देखा कि लेग साइड पे बॉल है, अपने बैक फुट पे गए, चार रन हासिल किए यहाँ पे उमर निसार ने। उम्दा बल्लेबाज है उमर निसार। चौथी गेंद इस ओवर की, कट किया लेकिन वहां पे फील्डर तैनात, कोई भी रन नहीं मिलेगा। This was bowled outside off stump. The batsman tried to cut it. Agli gend, panchvi gend is over ki. Fir se cut karna chahte the Umar Nisar. Na room nahi mila Umar Nisar ko. Koi bhi run nahi. Over mein khali 4 run aaye Adil Polad ke score se. अगली गेंद, लास्ट की गेंद इस ओवर की, फिर से पुल किया यहाँ पे उमर निसार ने। एक उम्दा शॉट, बैक फुट पे गए, उठा दिया अंपायर का इशारा, 6 रन। उम्दा शुरुआत यहाँ पे एसएससीसी बेमना के द्वारा। After one over, the score is 10 for no loss. मैं अपने व्यूवर्स को बताते चले कि दोनों ने टीमों ने अपना पहला पहला मैच हारा था, तो चाहेंगे कि अच्छा कमबैक करे दोनों टीम। स्ट्राइक पे आए इम्तियाज, गेंदबाजी करने के लिए लाया है रियाज मैडी को। बॉलर नेम रियाज, पहले ही पावर प्ले में दोनों एंड से स्पिनर्स को लाया है यहाँ पे टीम हुक ने। नई रन रणनीति इस मुकाबले में टीम हुक के द्वारा। एज निकला यहाँ पे, वहां पे साइड बार तैनात, जब तक वो फील्ड करते अच्छी फील्डिंग की, कोई भी रन नहीं आया। शॉर्ट थर्ड मैन पे साइड बार मौजूद है, उठाने की कोशिश। द बैट्समैन ट्राई टू लिफ्ट दिस बॉल ओवर कवर्स, बट एज लगा, एक रन मिला जहां तक फील्डर। अगली गेंद रियाज मैडी के द्वारा, उमर निसार है स्ट्राइक पे, एज निकला, शॉर्ट थर्ड मैन पे जाहिद डार तैनात। पहला मुकाबला है इस JKPL का जहां पे दोनों एंड से शुरुआत स्पिनर से की है किसी टीम ने। हल्के हाथों से उमर निसार ने से खेला सीधे रियाज मैडी के जानेब। 10 रनों पे उमर निसार खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया है। फिर से रियाज मैडी के पास गेंद, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत रियाज मैडी के द्वारा, खाली एक रन दिया है इस ओवर से। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ा नीचे रही,
कीपर से फंबल हुआ लेकिन कोई भी रन नहीं मिला, इस ओवर में खाली एक रन आया रियाज मैडी के द्वारा। सो आफ्टर टू ओवर्स द स्कोर इज 11 फॉर नो लॉस। आफ्टर टू ओवर्स द स्कोर इज 11 फॉर नो लॉस। बॉलर नेम आदिल, आदिल पोलार्ड अपना दूसरा ओवर करने जा रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे आदिल पोलार्ड। इम्तियाज है स्ट्राइक पे, चेंज ऑफ फील्ड, जाहिद डार आया है यहाँ पे मिड ऑफ पे, कप्तान है टीम हुक के। रियाज मैडी को शॉर्ट थर्ड मैन पे भेजा है यहाँ पे। इसे कट करना चाहते थे यहाँ पे इम्तियाज, बीट हुए कीपर के दस्तानों में गेंद, कोई भी रन नहीं मिला यहाँ पे। अगली गेंद आदिल पोलार्ड की, उठा के मारना चाहते थे डीप करले के ऊपर से, लेकिन चार रन मिलेंगे यहाँ पे। एज लगा जहाँ पे मारना चाहते थे वहां पे पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन चार रन मिले यहाँ पे इम्तियाज को। आफ्टर 2.2 ओवर्स द स्कोर इज 15 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। आदिल पोलार्ड गेंदबाजी कर रहे हैं, दो ए 1.2 ओवर्स में आदिल पोलार्ड ने 14 रन दिए अपने ओवर की तीसरी गेंद। इम्तियाज अहमद फिर से कट करना चाहते थे स्ट्रेट टू मिड ऑफ, फील्डर जब तक आते गेंद उठाते तब तक एक रन हासिल कर चुके थे यहाँ पे एसएससीसी बेमना के बैट्समैन। अच्छी शुरुआत यहाँ पे एसएससीसी बेमना के द्वारा, सूझबूझ से क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे एसएससीसी बेमना के बल्लेबाज। अगली गेंद उमर निसार ने उठा दिया है इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे उमर निसार को। उमदा शॉट उमर निसार के बल्ले से, आदिल पोलार्ड प्रेशर में अपने दो ओवर के स्पेल में अब तक 21 रन दे चुके हैं आदिल पोलार्ड। आखिरी दो गेंदे इस ओवर की, किया यहाँ पे उमर निसार को सीधा रफीक बाबा के हाथ में, कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। 23 शॉट था, अच्छे से टाइम किया यहाँ पे उमर निसार को, इसीलिए वहां पे कोई रन नहीं था, गैप में होती तो 4 रन मिलते। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक आदिल पोलार्ड के द्वारा, बीट हुए, फ्रंट फुट भी खेलना चाहते थे यहाँ पे उमर निसार। So after 3 hours, the score is 22 for no loss. After 3 hours, the score is 22 for no loss. कुछ मशवरा कर रहे हैं यहाँ पे, मोहसिन रमजान भी आज खेल रहे हैं, पीक बाबा और मोहसिन रमजान। आज बारिश की वजह से पहला मैच खाली 16 ओवरों का था, वो नन्नू स्टार्स मलाबाग ने जीता। रियाज मैडी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, इससे पहले भी एक ओवर कर चुके हैं, उम्दा शुरुआत की थी रियाज मैडी ने, खाली एक रन आया था रियाज मैडी के पहले ओवर से। एक्सपीरियंसड गेंदबाज है रियाज मैडी, अच्छे ऑलराउंडर है रियाज मैडी। इम्तियाज कट करना चाहते थे वहां पे फील्डर तैनात, कोई भी रन नहीं मिला यहाँ पे। थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से खेलना चाहते थे यहाँ पे इम्तियाज। अगली गेंद उठा के मार दिया है स्ट्रेट लॉन्ग बॉल के ऊपर से, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे इम्तियाज को। एक अच्छी शुरुआत एसएससीसी बेमना के द्वारा। रियाज मैडी पहला 6 रन मिला है उनके स्पेल से, अब तक एक ही रन दिया था इम्तियाज, फिर से उठा कर दिया, क्या ये 6 रन होंगे? जी हाँ, अंपायर का इशारा 6 रन, पूरी तरीके से टाइम नहीं किया था यहाँ पे इम्तियाज ने, लेकिन 6 रन मिले। अब जाहिद डार को स्ट्रेट रखा है यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट है। रियाज मैडी की अगली गेंद पुल करना चाहते थे, मैं आपसे नाखुश इम्तियाज,
अच्छी शुरुआत एसएससीसी बेमना के द्वारा। अगली गेंद अतिरिक्त उछाल मिला यहाँ पे रियाज मैडी को, सीधे कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, पीछे हटे, रूम बनाया, कट करना चाहते थे लेकिन कोई भी रन नहीं मिला। रफीक बाबा के पास से गेंद पहुंची। After 4 overs, the score is 34 for no loss. चार ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद स्कोर हुआ है 34, कोई भी विकेट नहीं गिरा है यहाँ पे एसएससीसी बेमना के द्वारा। लगता है वसीम रजा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। न्यू बॉलर वसीम रजा, अब तक तीनों गेंदबाज स्पिनर है। नई रणनीति यहाँ पे टीम हुक के द्वारा, वसीम रजा अपना पहला मैच में यहाँ पे उम्दा गेंदबाजी की थी, 3 विकेट हासिल किए थे वसीम रजा ने। सीनियर खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के उम्दा गेंदबाज, मायानाज ऑलराउंडर, एक उम्दा फील्डर है वसीम रजा। अगली गेंद, पहली गेंद करेंगे यहाँ पे वसीम रजा, उमर निसार है स्ट्राइक पे। विकेट चाहेंगे यहाँ पे टीम हुक्ड वसीम रजा से। अच्छी गेंद स्ट्रेट टू द बॉलर, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। एक स्पिनर के लिए पावर प्ले में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है, लेकिन वसीम रजा एक उम्दा क्रिकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर, हल्के हाथों से यहाँ पे उमर निसार ने खेला रन आउट का चांस, लेकिन जी नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय द बैट्समैन ऑफ एसएससीसी बेमना। इम्तियाज स्ट्राइक पे, उठा के मार दिया है इसे, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। उम्दा शॉट इम्तियाज के द्वारा, इम्तियाज मूड में नजर आते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन मारे इम्तियाज ने। अच्छी टाइमिंग, उम्दा शॉट, एक उम्दा शुरुआत की है यहाँ पे एसएससीसी बेमना के द्वारा। प्रेशर में नजर आते हुए टीम हुक्ड। आफ्टर 4.3 ओवर्स द स्कोर इज 41 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। अगली गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की, इम्तियाज है स्ट्राइक पे, उठा के मार दिया है इसे, अ ग्रेट शॉट बाय द बैट्समैन। प्रेशर में नजर आते हुए 2 गेंदों में 2 छक्के मारे हैं वसीम रजा की गेंदबाजी पे। क्या बैटिंग कर रहे हैं इम्तियाज, उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। 30 रनों पे खेल चुके हैं, खाली 13 गेंदों का सामना किया है यहाँ पे इम्तियाज ने। अच्छा, अपना लेंथ को पुल बैक किया यहाँ पे वसीम रजा ने। सो आफ्टर 4.5 ओवर्स द स्कोर इज 48 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, उठा के मार दिया है, क्या ये कैच हो सकता है? जी नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी तालमेल यहाँ पे रफीक बाबा और आदिल पोलार्ड के दरमियान, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए रफीक बाबा ने यहाँ पे। सो आफ्टर 6 ओवर्स, 5 ओवर्स, द स्कोर इज 50 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। आफ्टर 5 ओवर्स, द स्कोर इज 50 फॉर नो लॉस। उम्दा शुरुआत की है यहाँ पे ऐसे बॉलर नेम रियाज बेमना के बैट्समैन उन्हें। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रफीक बाबा, बॉलर चेंज रफीक।
लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ पे तैनात किया है, जाहिद डार है मिड ऑफ पे, आपस में बातचीत करते हुए, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है दोनों, लेकिन उम्दा शुरुआत की है यहाँ पे उमर निसार और इम्तियाज के द्वारा। उमर निसार इज प्लेइंग ऑन 19, ही हैज फेस्ड 16 बॉल्स, इम्तियाज इज बैटिंग ऑन 31, ही हैज फेस्ड 14 बॉल्स। दस रन की औसत से खेल रहे एसएससीसी बिमना, इसी रेट पे खेलते रहे तो 200 रन बनाएंगे। छठे ओवर की पावर प्ले का आखिरी ओवर, उठा के मार दिया है इसे, 4 रन मिलेंगे। एक उम्दा शॉट डीप फॉरवर्ड के ऊपर से, उम्दा शॉट था ये, आक्रामक बल्लेबाज है इम्तियाज, उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। अब तक खाली स्पिनर्स आए गेंदबाजी करने के लिए, 4 स्पिनर्स आ चुके हैं। आदिल पोलार्ड, अच्छी फील्डिंग आदिल पोलार्ड के द्वारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी ये गेंद, खुद को रूम दिया, कट किया, लेकिन पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। डी बैकवर्ड पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग आदिल पोलार्ड के द्वारा। अगली गेंद उमर निसार स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद, उठा के मारना चाहते थे। उमर निसार डॉट बॉल स्वीप किया, यहाँ पे उठा के मार दिया है, ग्रेट शॉट बाय उमर निसार, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन मिलेंगे। यहाँ पे स्वीप किया, स्लॉग स्वीप किया, एक उम्दा शॉट खेला यहाँ पे। जाहिद डार कुछ परेशानी में नजर आते हुए, पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन बन चुके हैं एसएससीसी बिमना के, फिर से कार्बन कॉपी ऑफ द शॉट, बट यहाँ पे खाली 4 रन मिलेंगे। टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे वो टीम हुक्ड के स्पिनर्स को, 4 स्पिनरों को लाया है अभी तक जाहिद डार ने, लेकिन चारों में से कोई भी सफल नहीं। रफीक बाबा के इस ओवर से 15 रन आए, आखिरी गेंद रफीक बाबा के शोर से। उमर निसार स्ट्राइक पे, फिर से स्वीप करना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड, दिस वाज बोल्ड आउटसाइड लेग स्टंप, वेल कैप्ट बाय द कीपर। 16 रन आ चुके हैं रफीक बाबा के शोर से, परेशानी में जूझते हुए टीम हुक पीछे आए, यहां पर रन आउट का चांस हो सकता है, डायरेक्ट हिट होता तो आउट थे यहाँ पे एसएससीसी के बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद थी यहाँ पे रफीक बाबा के द्वारा, खुद को रूम दिया, कट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। सो आफ्टर 6 ओवर्स द स्कोर इज 67 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। आफ्टर 6 ओवर्स द स्कोर इज 67 फॉर नो लॉस। एक और स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, तौसीफ खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तौसीफ खान तौसीफ खान बॉलर नेम तौसीफ, फिफ्थ बॉलर टीम हुक की तरफ से, वो भी एक स्पिनर। पांचों गेंदबाज अब तक यूज किए है टीम हुक ने, पांचों स्पिनर स्पिन अटैक लेकर आए हैं टीम हुक। उमर निसार स्ट्राइक पे, शॉर्ट गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन सीधे कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अगली गेंद कट किया, मिस फील्ड, 4 रन मिलेंगे यहां पे। खुश नहीं बॉलर अपने फील्डर से, रफीक बाबा वॉज द कल्प्रेट, रोकना चाहिए था। उम्दा शुरुआत उमर निसार और इम्तियाज के दरमियान, एक उम्दा पार्टनरशिप। आफ्टर 6.2 ओवर्स द स्कोर इज 71।
आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिर से कट करना चाहते थे इस गेंद को, सीधे कीपर के दस्तानों में कोई भी रन नहीं मिलेगा। चौथी गेंद इस ओवर की, तौसीफ खान गेंदबाजी कर रहे हैं, डैप किया, स्टेयर किया, यहाँ पे एक रन मिलेगा यहाँ पे। तब तक फील्डर बैकवर्ड पॉइंट से आते गेंद को उठाते, तब तक एक रन चुरा लिया यहाँ पे SSCC बिमना के बल्लेबाजों ने। ठाके मार दिया है इम्तियाज ने, ग्रेट बैटिंग बाय इम्तियाज, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन मिलेंगे। क्या उम्दा बल्लेबाजी, क्या क्लीन हिटिंग कर रहे हैं इम्तियाज। इम्तियाज ऑन 42, 17 गेंदों में 42 रन बना चुके हैं इम्तियाज। आखिरी गेंद तौसीफ खान के ओवर की शॉर्ट गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल दिया, एक रन मिलेगा यहाँ पे जाहिद डार तैनात। After 7 overs, the score is 79 for the loss of no wicket. After 7 overs, the score is 79 for no loss. आपस में डिस्कस करते हुए सीनियर खिलाड़ी टीम हो के कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने गेम प्लान में, क्योंकि जो भी गेम प्लान लेकर आए थे वो सफल नहीं हो पाया। 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया अब तक, लेकिन 5 महंगे साबित हुए। बॉलर नेम रफीक, रफीक बाब अपना दूसरा ओवर करने आ रहे हैं। पहले ओवर में 17 रन दिए थे रफीक बाबा ने। कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने कप्तान जाहिद डार से। लॉन्ग ऑफ पे आदिल को तैनात किया है। स्टार्ट ऑफ द 8th ओवर, स्ट्राइक पे है इम्तियाज, क्लीन हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल है इम्तियाज। अगली गेंद यहां पे एज लगा, क्या ये कैच हो सकता है रियाज मैडिस के नीचे, अ ड्रॉप चांस। बहुत खराब क्रिकेट खेल रहे है टीम हुक, आसान सा कैच था। खुश नहीं होंगे रफीक बाबा। मरनेसार है स्ट्राइक पे, स्लॉट में थे ये गेंद, उठा के मार दिया है इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। रफीक बाबा की दुलाई कर रहे हैं यहाँ पे SSCC बिमना के बल्लेबाज, स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे हैं। मरनेसार है स्ट्राइक पे, 41 रन पे खेल रहे हैं। शॉर्ट गेंद, पहले पुल करना चाहते थे मरनेसार। चौथी गेंद इस ओवर की, अतिरिक्त उछाल मिला यहाँ पे रफीक बाबा को, गेंद के पीछे दौड़ रहे टीम हुक के कैप्टन, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे उमर निसार को। पांचवी गेंद इस ओवर की रफीक बाबा के द्वारा, उमर निसार फील्ड का जायजा लेते हुए, डिफेंड किया वहां पे मोहसिन रमजान तैनात, कोई भी रन नहीं मिलेगा। अच्छा कमबैक यहां रफीक बाबा के द्वारा। क्या ये आउट है? अंपायर का इशारा आउट। उमर निसार ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप, खुद पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, अपने आप से ना खुश उमर निसार। कीपर नेम सुहेल पॉल है कीपर, कीपर नेम सुहेल। आखिरकार वो विकेट मिल ही गया,
Batsman, please show your jersey number. Ninety-nine is on strike. तौसीफ खान को लाया है गेंदबाजी करने के लिए. इम्तियाज है स्ट्राइक पे. अब तक ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं. कट करना चाहते थे. आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी. डॉट बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में. अब सीफ खान शॉर्ट रन अप से तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं. कट करना चाहते थे स्ट्रेट टू द फील्डर. एक और विकेट. आमतौर ये पार्टनरशिप में होता है कि जब एक आउट होता है तो दूसरा भी आउट हो जाता है. चार गेंदों के दरमियान दो विकेट आ चुके हैं, दो विकेट खो बैठे हैं यहाँ पे एसएससीसी भीमनाग के बल्लेबाज. बैट्समैन प्लीज शो योर जर्सी नंबर. फैजल रशीद द कैप्टन. फाजिल रशीद इनके कैप्टन है. फाजिल कैप्टन ऑफ एसएससीसी बेमना हैज कम इन द मिडिल. अपना गॉड मार्क करते हैं अंपायर से, अपना गॉड लेते हुए. तौसीफ खान तक 1.2 ओवर्स में 12 रन दिए हैं. तौसीफ खान ने एक विकेट हासिल किया है. फाजिल रशीद डिफेंड किया है इसे. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रन आउट चांस. लेकिन जी नहीं, डॉट बॉल बैकफुट पे खेला इसे. शॉर्ट गेंद थी तौसीफ खान के द्वारा. एनर्जी सी वापस आती हुई टीम हुक्स में. एक रन के लिए खेल दिया है फाजिल रशीद ने. पैड पे थी ये गेंद. वसीम रजा है फील्डर. एक ही रन मिलेगा. वसीम रजा इज अ ब्रिलियंट फील्डर. इरफान आए हैं स्ट्राइक पे. After 8.4 hours, the score is 89 for the loss of no wicket. For the loss of two wickets, sorry. Two wicket gir chuke hai SSCC Bhimnag ke. Irfan ne khel diya hai ise. Ek umda timing hui thi bat aur balle ke darmiyan. Gend aur balle ke darmiyan. Ek run mila. आखिरी गेंद तौसीफ खान के ओवर की. के हाथों से फ्रंट फुट पे डिपेंड किया. डॉट बॉल. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स द स्कोर इज 90. After 9 overs, the score is 90 for the loss of 2 wickets. 90 for the loss of 2 wickets. गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रियाज मैडी.
इरफान है स्ट्राइक पे। उम्दा इकोनॉमिकल बॉलिंग की है रियाज मेडी ने, अपने खाली अपने दो ओवर में खाली 13 रन दिए हैं। फ्रंट फुट पे आए, डिफेंड किया स्ट्रेट टू द बॉलर, कोई भी रन नहीं मिला यहाँ पे एसएससीसी पेमना के बल्लेबाजों को। एज लगा, उसके बाद पैड पे, कीपर के हाथ में गेंद, रन चुराने का कोई भी मौका नहीं। हम अपने व्यूवर्स से माफी मांगना चाहते हैं, टिकर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसे हमारी टेक्निकल टीम ने ठीक किया, 1 रन मिला। उम्दा फील्डिंग यहाँ पे वसीम रजा के द्वारा। तीन गेंदों में खाली 1 रन मिला है एसएससीसी बेमना के बल्लेबाजों को। फाजिल रशीद उनके कप्तान स्ट्राइक पे आए हैं, स्ट्रेट खेल दिया लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। आदिल है फील्डर लॉन्ग ऑफ पे टीम हुक के। इरफान पांचवी गेंद, आदिल 1 रन आया। लॉस की बॉल 0, लॉस की बॉल तो कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा Thank you.
After 11 overs, the score is 102 for the loss of 2 wickets. You should have to come with this mic. That's okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Saheb and Faizan. जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का और एक मैच यहाँ पे जो जबरदस्त मैच यहाँ पे खेला जा रहा है जो टीम हॉक्स वर्सेस एसएससीसी बेमना के दरमियान इस वक्त जारी है और टीम हॉक्स यहाँ पे इस वक्त बैटिंग करते हुए आदिल राउंड ऑफ विकेट चले और एक उठता हुआ स्ट्रोक वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया वहां पे खिलाड़ी ने और इसी के साथ बैट्समैन की इनिंग का खात्मा कर दिया वहां पे। फील्डर नेम जहांगीर ने एक बहुत अच्छा कैच वहां पे लपक लिया है और इसी एक विकेट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 तीन विकेट्स के नुकसान पे। टीम हॉक्स और दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान में एक संघर्ष उनका जो है वो जारी है और एक अच्छी गेंद की वहां पे फील्डर ने वो बॉलर ने और जिसपे एक अच्छा कैच लपक लिया वहां पे खिलाड़ी ने और इसी के साथ उसकी इनिंग का खात्मा कर दिया। स्कोर बदस्तूर इस वक्त 102 तीन विकेट के नुकसान पे एसएससीसी बेमना का एसएससीसी बेमना की टीम इस वक्त मैदान में स्ट्रगल करते हुए इस एक विकेट के साथ दोनों खिलाड़ियों में कुछ बातचीत होते हुए बैट्समैन प्लीज शो योर जर्सी नंबर नया बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए जुनैद बशीर एक होनहार बल्लेबाज है उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी इस वक्त है उनकी टीम मैदान में स्ट्रगल करते हुए और वहां पे और एक बार बॉलर तैयार होते हुए दौड़ते हुए विकेट को क्रॉस किया और एक बहुत अच्छी गेंद वहां पे गेंद को एक अच्छा स्ट्रोक कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की हल्का सा फ्लिक किया और गेंद पहुंचे फील्डर के हाथ में और इसी दौरान दोनों कोई रन का मौका नहीं और एक बार बॉलर तैयार विकेट को क्रॉस किया और एक उठता हुआ स्ट्रोक वहां पे खेलने की कैच होने की संभावना हो सकती है मिस फील्ड हो गया जब तक दूसरा खिलाड़ी गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दो रन मुकम्मल किए इन दो रन के साथ एसएससीसी बेमना का स्कोर पहुंचा 105 तीन विकेट के नुकसान पे 12वीं ओवर का खेल इस वक्त जारी है बॉलर एक बार फिर और रोक दिया है अंपायर ने वहां पे आदिल और एक बार बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला वहां पे फील्डर दौड़ते हुए आए जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक दोनों बैट्समैनों ने अपना एक रन मुकम्मल किया इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 106 रन तीन विकेट के नुकसान पे आदिल और एक बार तैयार दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया और एक जबरदस्त गेंद थी जबरदस्त शॉट खेला इस गेंद पे भी फिर से उसी प्लेयर के पास गेंद पहुंची और एक रन के साथ स्कोर 107 तीन विकेट के नुकसान पे 12वीं ओवर का खेल इस वक्त जारी है आदिल और एक गेंद करने के लिए तैयार बहुत अच्छी गेंद थी बीट किया वहां पे बैट्समैन को डिफेंस करने की कोशिश की After 12 overs, the score is 107 for the loss of 3 wickets. 12वीं ओवर के इख्तिताम पे स्कोर पहुंचा 107 एसएससीसी बेमना का और इनके तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं एक अच्छा संघर्ष यहां पे जारी है दोनों टीमों का और दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वक्त मैदान में एक अच्छा मुजाहिरा करते हुए और एसएससीसी बेमना के दोनों बल्लेबाज मैदान पर इस वक्त थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए
कि कैसे अपने टीम को इस बॉलर नेम वसीम रजा मुश्किलात से निकाले अपनी टीम को, उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। जुनैद और फाजिल रशीद, वसीम एक लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और चले विकेट्स को क्रॉस किया और वहां पे डिफेंस किया और टिकी रन वहां पे लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 108 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस वक्त ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्रिकेट स्टेडियम में इस लीग का 12वां मैच जारी है एसएससीसी बिमरा और होप के बीच में। वसीम एक बार फिर दौड़ते हुए और वहां पे निकल के आए गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के लिए और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक था और खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं था गेंद को रोकने का और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 112 3 विकेट्स के नुकसान पे। वसीम एक बार फिर दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया और वहां पे डिफेंस किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन पूरा किया। बहुत रिस्की हो सकता था लेकिन जब तक गेंद वापस पहुंची विकेट कीपर के पास तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 113 3 विकेट के नुकसान पे। वसीम एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए दौड़ते हुए एक अच्छा शॉट खेला वसीम ने। जुनैद के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। वसीम एक बार फिर विकेट्स को क्रॉस किया और एक उठा हुआ स्ट्रोक खेला, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीधे सी मारे कैसे बाहर 4 रनों के लिए। एक उठता हुआ स्ट्रोक खेला वहां पे जुनैद ने और इसी 3-4 रनों के साथ एसएससीसी बिमरा का स्कोर पहुंचा 117 और इनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, सीधे बॉलर के सर के ऊपर से मार रहा। जुनैद के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। वसीम एक बार फिर विकेट को पास किया और एक अच्छा स्ट्रोक पुल करने की कोशिश की गेंद को, जब तक गेंद फिर से पहुंचती फील्ड करके तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 118 3 विकेट्स के नुकसान पे। आफ्टर 13 ओवर्स द स्कोर इज 118 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इन 13 ओवरों में एसएससीसी बिमरा का जो इस वक्त मौजूद स्कोर है वो है 118 और इनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जो बल्लेबाज मैदान पर है उनमें जुनैद है और फाजिल है, उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो अपने टीम को एक बड़े टारगेट की ओर ले जाए जिसको वो बाद में डिफेंड कर सकते हैं। बॉलर नेम रियाज मैडी, रियाज मैडी एक नपितुली गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए फिर से तैयार। उनका सामना करेंगे जुनैद। वहां पे फील्डिंग को सजाते हुए रियाज दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। बहुत जबरदस्त गेंद थी, बीट किया, लोअर गेंद थी और गेंद चली विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। रियाज एक बार फिर तैयार होते हुए, स्कोर एक बार फिर 118 3 विकेट के नुकसान पे। रियाज दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छी गेंद थी, उठते हुए गेंद थी जिसको दिफाई अंदाज में खेला। फिर वहां पे फील्डर आते हुए, जब तक फील्डर ने गेंद को फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ एसएससीसी बिमरा का स्कोर 119 3 विकेट के नुकसान पे। रियाज एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छी गेंद थी, बड़े दिफाई अंदाज में गेंद को वापस खेला फील्डर की ओर। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। रियाज एक बार फिर तैयार होते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक उठता हुआ स्ट्रोक खेला वहां पे, गेंद के नीचे फील्डर ने आने की कोशिश की लेकिन थोड़ी सी दूर गिरी गेंद। कोशिश जरूर की वहां पे फील्डर ने लेकिन गेंद को कैच नहीं कर सके और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 120 3 विकेट के नुकसान पे। रियाज दौड़ते हुए
विकेट्स को क्रॉस किया। ओ एक बहुत जबरदस्त गेंद, एक बार फिर गेंद ने टप्पा नहीं खाया, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। रियाज दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छी गेंद थी, उस पर एक अच्छा शॉट खेला, दोनों खिलाड़ियों ने वहां पे रन लेने की कोशिश की लेकिन मना किया। इसी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 120 तीन विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 14 ओवर्स द स्कोर इज 120 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 14 ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है, 14 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद स्कोर है एसएससीसी बिमला का 120, बॉलर नेम वसीम रजा, तीन विकेट्स के नुकसान पे। वसीम रजा जो कि कंटिन्यूअसली कमिटी एंड से बॉलिंग करते हुए एक रांची ट्रॉफी प्लेयर यहाँ पे है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक ऑलराउंडर है यहाँ पे होप की टीम में, जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है वो अपने टीम के लिए कुछ अच्छा कर सके। फाजिल दो इस वक्त मैदान में, अगर हम देखेंगे दो रांची ट्रॉफी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है, फाजिल है और वसीम है। वसीम दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद थी, दिफाई अंदाज में गेंद को वापस धकेला बॉलर की ओर, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर जारी है 120 तीन विकेट्स के नुकसान पे। वसीम दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक उठता हुआ स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, एक रन लिया दोनों खिलाड़ियों ने जब तक गेंद को वापस फील्डर फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 121 121 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। वसीम दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत जबरदस्त गेंद बाहर निकले और वहां पे स्टम आउट हो गए। एक बहुत जबरदस्त विकेट यहां पे वसीम लेते हुए अपनी टीम को और एक विकेट दिला दिया यहां पे। जुनैद गेंद को लॉफ करने की कोशिश की, कीपर नेम सुहेल, लेकिन वहां पे विकेट कीपर सुहेल ने कोई गलती नहीं की, कोई मौका नहीं दिया खिलाड़ी को वापस आने के लिए और स्टम्प आउट कर दिया है। और इस तरह से एसएससीसी बेमना का और एक विकेट आउट हो चुका है, स्कोर पहुंचा 121 चार विकेट के नुकसान पे। 14वें ओवर का खेल जारी है, एक जबरदस्त गेंद की वहां पे वसीम ने, बहुत अच्छी गेंद थी, मजबूर किया वहां पे जुनेद को, वो बाहर आए अपने क्रीज से, जो ही जुनेद अपने क्रीज से बाहर आए लॉफ्ट करने की कोशिश की और वहां पे विकेट कीपर रेडी थे, कोई गलती नहीं की स्टेम आउट करने में और इस तरह से चौथा विकेट गवा बैठी एसएससीसी बेमना की टीम। बैट्समैन प्लीज शो योर जर्सी नंबर। बैट्समैन नेम अब्रार। नया बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए अब्रार। अब्रार के कंधों पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी है कि वो अपने टीम के लिए कुछ बड़ा स्कोर करे, बड़े स्ट्रोक्स लगाए ताकि उनकी टीम का स्कोर जो है वो एक बड़े टारगेट की ओर चला जाए जिसको वो डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त मैदान के बीचों बीच संघर्ष करते हुए एक बहुत जबरदस्त मैच इस वक्त ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। वसीम एक विकेट लेने के बाद एक मरतबा फिर तैयार और नया बैट्समैन है अब्रार। अब्रार वसीम का सामना करते हुए एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे खेला, जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ एसएससीसी बेमना का स्कोर पहुंचा 122 चार विकेट्स के नुकसान पे। वसीम एक नपीतुली गेंदबाजी यहां पे करते हुए एक अच्छा विकेट लेते हुए पार्टनरशिप को ब्रेक किया। वसीम एक मरतबा फिर दौड़ते हुए और एक बहुत जबरदस्त गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया, स्वीप करने की कोशिश की, कोई मौका नहीं था उनके पास, गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगी और इसी एक विकेट के साथ एसएससीसी बेमना का स्कोर 122 पांच खिलाड़ियों के नुकसान पे। बहुत जबरदस्त गेंद थी,
नीचे रहती हुई गेंद जिसको स्वीप मारने की कोशिश की, गेंद को मिस कर बैठे और गेंद सीधे विकेट पे लगते हुए, और इसी एक विकेट के साथ एसएससीसी भीमला का स्कोर 122, उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। होस्ट की टीम बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं नए बल्लेबाज के, नए बल्लेबाज के पास, वो मैदान पे आए और टिक जाए उनको सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए। बैट्समैन प्लीज शो योर जर्सी नंबर। बैट्समैन नेम बिलाल। नया बल्लेबाज बिलाल मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए सामना करेंगे वसीम का। वसीम का एक बहुत जबरदस्त ओवर जारी है जिसमें वो अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं अपनी टीम के लिए। वसीम ने एक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की इस ओवर में, 2 विकेट चटका डाले इस वक्त एसएससीसी भीमला के इस ओवर में। एसएससीसी भीमला के 5 खिलाड़ी कुल मिला के आउट हो चुके हैं, उनका स्कोर है 122। वसीम दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और डिफाई अंदाज में वहां पे वापस खेला और पोलो थ्रो में खुद ही वसीम ने गेंद को फील्ड किया। After 15 overs, the score is 122 for the loss of 5 wickets. 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 15 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है एसएससीसी भीमला का 122 और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बॉलर नेम रफीक बाबा। After 15 overs, the score is 122 for the loss of 5 wickets. होक्स का स्टिम जो स्पिन अटैक है वो जारी है और वो एक नया स्पिन बॉलर उनका रफीक बाबा। रफीक बाबा गेंद करेंगे अब्रार को। रफीक अपने कदमों के साथ दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया, एक बहुत जबरदस्त शॉट सीधे बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उठा दिया है सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक वहां पे अब्रार का, इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 128 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा की पहली ओवर की पहली गेंद पे एक छक्का मार डाला रफीक बाबा। ओ बहुत जबरदस्त गेंद बीट किया वहां पे और एक बार उठाने की कोशिश की, कंप्लीटली बीट किया गेंद पूरे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। स्कोर 128 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा अपनी ओवर की तीसरी गेंद करते हुए दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक वहां पे, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, लेग स्टंप पे गेंद कर बैठे, एक बहुत जबरदस्त पुल मार दिया वहां पे अब्रार ने और गेंद को बॉय भेज दिया सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा एसएससीसी भीमला का 132 रन और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रफीक बाबा का महंगा ओवर साबित होता हुआ, पहले 3 गेंदों पे 10 रन आ चुके हैं। रफीक बाबा और एक बार तैयार होते हुए अंपायर को क्रॉस किया और एक बहुत जबरदस्त गेंद थी वहां पे, एक अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पे अब्रार ने, जब तक गेंद फील्ड होते हुए वापस तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 133 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा 11 रन दे चुके हैं इस ओवर में, अभी 2 गेंदें बाकी है। रफीक बाबा दौड़ते हुए और एक जोर जबरदस्त स्ट्रोक, एक अच्छा उठता हुआ स्ट्रोक सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और एक खूंदा स्ट्रोक खेला वहां पे बिलाल ने, जो नया बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आया था, एक अच्छा स्ट्रोक खेला सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रफीक बाबा ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ अपनी ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए रफीक बाबा तैयार। ओ एक अच्छा स्ट्रोक और वहां पे मिस फील्ड होगी और इस और एक चौका बिलाल के बल्ले से, 2 गेंदों पे 2 चौके आए और इसी ओवर के साथ 15वीं ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है और 15वीं ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 141 5 विकेट के नुकसान पे। After 16 overs, the score is
141 for the loss of 5 wickets. माफ करिएगा, 16 ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है. 16 ओवर के इख्तिताम के बाद एसएससीसी बेमरा का स्कोर 141 पांच विकेट खिलाड़ियों के नुकसान पे. बॉलर नेम वसीम रजा. वसीम रजा एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पिछले ओवर में 2 विकेट चटका डाले एसएससीसी बेमरा के. उनका सामना करते हुए अबरार वसीम दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया. एक बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पे लॉफ करने की कोशिश की, मिस टाइम कर बैठे वहां पे. और एक रन मिल सकेगा जब तक गेंद को वापस फील्ड किया सीधे विकेट कीपर के महफूज हाथों में. एक रन के साथ एसएससीसी बिमरा का स्कोर 142. और एक उठावा स्ट्रोक वहां पे, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक लपक लिया और एक विकेट गवा बैठी एसएससीसी बिमरा की टीम. वसीम राजा और एक विकेट लेते हुए. फील्डर नेम तौसीफ खान. तौसीफ खान ने कोई गलती नहीं की, अपने महफूज हाथों में कैच को लपक लिया और खात्मा कर दिया है और एक विकेट का. एसएससीसी बेमरा की टीम 6 विकेट गवा बैठी और स्कोर बदस्तूर जारी है 142 142 लॉस ऑफ 6 विकेट 17 फॉर. गेम इज इन प्रोग्रेस. वसीम रजा अब तक 3 विकेट ले चुके हैं. बैट्समैन चो यू जर्सी नंबर. बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है अभी तक वसीम ने. 30 रन दे चुके हैं अभी तक वसीम और 3 खिलाड़ियों को आउट किया है. पिछले ओवर में 2 विकेट चटका डाले हैं वसीम ने. अपने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए वसीम तैयार. एक नया बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आते हुए. बैट्समैन नेम फैजान. फैजान दोनों बल्लेबाज चाहेंगे बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए यहाँ पे ताकि स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा स्कोर उनके लिए रहे, उनकी टीम बाद में स्कोर को डिफेंड भी कर सके. वसीम एक बार फिर तैयार दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया. एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. इस छक्के के साथ एसएससीसी बिमरा का स्कोर 148 6 विकेट गवा बैठी है अभी तक. एक खराब गेंद वसीम की, एक विकेट लेने के बाद एक खराब गेंद, कोई मौका नहीं चूक बैठे वहां पे खिलाड़ी. वसीम एक बार फिर और एक बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, दिफाई अंदाज में गेंद को खेला, किसी रन का कोई इजाफा नहीं. वसीम अपने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार. 148 6 विकेट आउट. वसीम और बहुत अच्छी गेंद, गेंद को उठाने की कोशिश की फील्डर के सर के ऊपर से लेकिन मिस कर बैठे और गेंद पहुंची विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं. वसीम अपनी तेज कदमों के साथ विकेट्स को क्रॉस किया और एक बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे डिफेंस किया. एक चीकी रन था, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने एक रन मुकम्मल किया. After 17 overs, the score is 149 for the loss of 6 wickets. 17वें ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है. 17वें ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है एसएससीसी बेमना का 149 रन और इनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. बॉलर नेम तौसीफ खान. तौसीफ खान का पिछला ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ, अब देखना होगा इस ओवर में कैसी गेंदबाजी करेंगे, अपने टीम के लिए रन कम से कम बचाएगा या और एक महंगा ओवर साबित हो सकता है उसका. तौसीफ खान दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया. एक बहुत जबरदस्त गेंद, तेज गेंद थी जो नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं. तौसीफ खान अपनी ओवर की दूसरी गेंद करते हुए, उनका सामना करेंगे फैजान. तौसीफ दौड़ते हुए ओ बहुत जबरदस्त गेंद थी, ओ एक बार फिर तेज गेंद की वहां पे बैट्समैन को कंप्लीटली बीट किया, विकेट गेंद पहुंची विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में. तौसीफ दौड़ते हुए ओ बहुत जबरदस्त गेंद, लेकिन वहां पे अंपायर का वाइड का इशारा, इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 150 6 विकेट के नुकसान पे.
तौसीफ खान दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। एक बहुत जबरदस्त गेंद स्ट्रेट आउट के लिए, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीधे से मारे खसे बाहर, चार रनों के लिए। इन चार रनों के साथ स्कोर पहुंचा 154 रन, छह खिलाड़ियों के नुकसान पे। तौसीफ खान और एक लॉफ्टेड स्ट्रोक तौसीफ खान का, और एक और महंगा साबित होता हुआ। बहुत जबरदस्त लॉफ्टेड स्ट्रोक सीधे सीमा रेखा से बाहर, छह रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही स्कोर पहुंचा 160, छह खिलाड़ियों के नुकसान पे। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए फैजान। तौसीफ खान एक बार फिर तैयार होते हुए विकेट्स को क्रॉस किया। ओ, एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक दिल स्कूप खेला वहां पे बैट्समैन ने, गेंद सीधे सी मारे खा से बाहर चार रनों के लिए। और एक जबरदस्त स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक तिलंकर दिलशान का बहुत ही जबरदस्त शॉट हुआ करता था। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है लेकिन उसका शॉट अभी भी जिंदा है। अक्सर खिलाड़ी इस शॉट से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर खिलाड़ी इस शॉट को खेलना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक शॉट यहाँ पे फैजान ने खेला है, दिल स्कोप किया और गेंद को सीधे पहुंच भेज दिया सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। स्कोर 164। तौसीफ दौड़ते हुए, ओ मिस टाइम कर बैठे तौसीफ। After 18 overs, the score is 165 for the loss of 6 wickets. 18वें ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है। 18 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 165। बॉलर नेम आदिल, छह खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस वक्त आउट का स्पिन अटैक जारी है। आदिल आए हैं नए बॉलर जो गेंद करेंगे फैजान को। आदिल दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। ओ, एक बहुत जबरदस्त शॉट वहां पे मिसफील्ड हो गया है। एक रन पूरा किया, दूसरा रन वहां पे पूरा करने की कोशिश कर रहे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड किया, दो रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन दो रनों के साथ एसएससीसी बिमरा का स्कोर पहुंचा 167 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फैजान एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, आदिल दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया। ओ, बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, अंपायर का इशारा वाइड था। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 168, छह खिलाड़ियों के नुकसान पे। आदिल दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया। एक बहुत जबरदस्त गेंद जहां पे गेंद को उठाने की कोशिश की लेकिन कंप्लीटली बीट हुए, गेंद टूटे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। एक हल्की सी अपील स्टैम आउट की थी वहां पे लेकिन कोई उस पर कोई असर अंपायर पे नहीं हुआ। स्कोर अभी भी जारी है 168 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 19वीं ओवर का खेल जारी है। आदिल दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया। और एक बहुत जबरदस्त शॉट वहां पे लेकिन सीधे खिलाड़ी के महफूज हाथों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। गेंद को जल्दी फील्ड किया वापस बॉलर के साइड पे और एक डॉट बॉल। स्कोर 168, छह खिलाड़ी के नुकसान पे। आदिल दौड़ते हुए विकेट्स को क्रॉस किया। एक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को उठा के मारा है सीधे सीमा रेखा से बाहर, छह रनों के लिए। फैजान का और एक जबरदस्त स्ट्रोक, बाहर निकलते हुए गेंद को लॉफ्ट किया, सीधे भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। इस छक्के के साथ एसएससीसी बेमना का स्कोर 174 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आदिल तैयार होते हुए, ओ एक बहुत जबरदस्त गेंद थी वहां पे, लॉफ करने की कोशिश की, क्रीज के बाहर आए, वहां पे स्टम आउट हो चुके हैं वहां पे फैजान। आदिल यहाँ पे एक डेंजरस बैट्समैन को आउट करते हुए एक बार फिर गेंद को उठाने की कोशिश की, मिस कर बैठे और गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और स्टम आउट हो चुके हैं फैजान वहां पे। फैजान ने बनाए 30 रन,
15 बालों में 30 रन फैजान की एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे जारी थी। बैट्समैन प्लीचो जर्सी नंबर आदिल की एक अच्छी गेंद जिसपे लॉफ करने की कोशिश की, गवा बैठे और एक विकेट यहाँ पे एसएससीसी बेमरा की टीम। स्कोर बदस्तूर जारी है 174 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बैट्समैन नेम फहद। नया बल्लेबाज सईद फहद आते हुए सामना करेंगे आदिल का। आदिल विकेट्स को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, एक अच्छा स्ट्रोक खेला दिफाई अंदाज में और तब तक दोनों खिलाड़ियों ने एक रन पूरा किया। After 19 overs, the score is 175 for the loss of 7 wickets. 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 19 ओवर के खेल के इख्तिताम पे एसएससीसी बेमरा का स्कोर 175 और इनके 6-7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बॉलर नेम रफीक बाबा। रफीक बाबा काफी महंगे साबित हो चुके हैं पिछले 2 ओवरों में और होक का लास्ट ओवर करने की कोशिश करेंगे। रफीक बाबा चाहेंगे इस ओवर में कम से कम रन दे और वहां पे बैट्समैन चाहेगा इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, एक अच्छा टारगेट रखे होक के सामने। रफीक बाबा दौड़ते हुए और एक बहुत जबरदस्त गेंद, ऑफिस टाइम से बाहर थी गेंद, टप्पा खाते हुए और अंपायर का इशारा वाइड। इसी एक वाइड अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 175 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा कोशिश करेंगे किसी तरह से कोई डॉट बॉल खेली जाए, कम से कम रन दिए जाए इस ओवर में, अपने टीम के लिए स्कोर भी कम रखे, टारगेट उनके लिए उनके सामने कम रहे। रफीक बाबा अपनी ओवर की आखिरी लास्ट ओवर की पहली गेंद करते हुए और एक बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद कर बैठे और एक बार अंपायर का इशारा वाइड का और एक अतिरिक्त रन देते हुए स्कोर पहुंचा 177 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रफीक बाबा दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत जबरदस्त शॉट खेला वहां पे, गेंद सीधे सी मारे खासे बाहर 4 रनों के लिए। रफीक बाबा काफी रन दे चुके हैं अपने इन 3 ओवरों में, तीसरा ओवर रफीक बाबा का जारी है, काफी रन दे चुके हैं अपनी टीम के लिए, ये मैच का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका हो सकता है। रफीक बाबा के 3 ओवर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है टीम होक के लिए। रफीक बाबा एक बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, स्टम्प आउट करने की कोशिश किया कल किसी अपील थी लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। एक अच्छी गेंद थी, क्रीज से बाहर आते हुए गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, मिस कर बैठे, गेंद पहुंचे विकेट कीपर के महफूज हाथों में। रफीक बाबा तीसरी मरतबा इस ओवर में तैयार है, उनका सामना करेंगे सईद फहद। स्कोर अभी भी 181 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। रफीक बाबा एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट और गेंद को सीधे सी मारे खासे बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए, क्या शॉट खेला है, अपने टोज पे खड़ा होके वहां पे सईद फहद ने शॉट खेला है, बहुत ही उमदा स्ट्रोक था, ज्यादा बाहर भी नहीं निकला है। रफीक बाबा का एक महंगा ओवर साबित होता हुआ, 12 रन दे चुके अभी तक 3 गेंदों में। रफीक बाबा दौड़ते हुए एक और जबरदस्त स्ट्रोक, क्या शॉट है फहद का, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया सीधे से मारे खासे बाहर 6 रनों के लिए, बहुत ही उमदा स्ट्रोक वहां पे फहद का और एक बार गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर। रफीक बाबा तैयार होते हुए ऑफ स्टंप से ज्यादा गेंद कर बैठे, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड का, इसी एक खतरे रन के साथ स्कोर पहुंचा 194 194 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। रफीक बाबा तैयार होते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छी गेंद थी वहां पे, गेंद को उठाने की कोशिश की, मिस टाइम हो और एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 195 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। रफीक बाबा तैयार होते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा स्ट्रोक पुल मारने की वहां पे कोशिश की, मिस टाइम हुए
और ओवर की आखिरी गेंद थी और पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है। पहली इनिंग्स के इख्तिताम के बाद जो टोटल स्कोर है एसएससीसी बिमरा का वो है 196 सात खिलाड़ियों के नुकसान पे। After 20 overs, score is 196 for the loss of 7 wickets. Team Hook need 197 runs in 20 overs. Team Hook ki team ka jo target mila hai wo mila 197 runon ka. Bahut hi mehenge sabit hue Rafiq Baba apne last ke 3 overon mein.